अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एएचए असिस्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने लगे हैं हम फिजिक्स ग्रेड 12 को स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं और कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है, साथ ही साथ कौन से टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना, क्या गेस्ट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर्स में एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो पेपर्स में आएंगे। तमाम क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स और टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, इसलिए काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, क्योंकि ग्रेड 12 वालों के लिए बहुत बड़ा चांस है, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने मार्क्स, अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स से। तो इसके कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये जो 12.1 है कूलम्स लॉ, ये आपका इंक्लूडेड नहीं है, ये सारे पेजेस आपके इंक्लूडेड नहीं है। आपके टॉपिक्स इंक्लूड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इंक्लूडेड है, ये इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आ जाता है आपका ये एप्लीकेशंस, ये इंक्लूडेड नहीं है। फिर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लूडेड है, ये आपका अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको नोट कर लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लूडिंग अ चार्ज, इंक्लोजिंग अ चार्ज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों में से कोई एक एक्सपेक्टेड होता है कि लाजमी आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है गॉस लॉ। गॉस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन इसका यह है कि अक्सर इसका क्वेश्चन आने की जगह इसके हवाले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है आपका, ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स ये टॉपिक आपको आता होगा, बहुत ब्रीफ सा टॉपिक है, ये आपको टॉपिक आता होगा तो आप इसका न्यूमेरिकल भी कर सकेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में दो तीन ए बी सी डिफरेंट ये हैं कि कंडीशंस हैं जिसके हिसाब से एप्लीकेशन होती है गॉस लॉ की, और ये तमाम एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है ना, ये असल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये वाला आपका स्किप्ड है टॉपिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आपका स्किप्ड है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ जाते हैं हम, ये आपका इंक्लूडेड है टॉपिक, इसकी जो आपकी इक्वेशन है ना वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन, इसलिए इसको लाजमी करिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी एग्जाम्पल 12.4, ये 12.4 एग्जाम्पल, और इसके अलावा ये 12.3, ये दो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसकी इससे रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल है ना वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे अगर मूव करें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक एंड ये वाला आपका स्किप्ड है टॉपिक, नहीं सॉरी, ये वाला आपका टॉपिक इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आपका चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका इंक्लूडेड है। फिर आप आ जाए कैपेसिटर पे, ठीक है, ये कैपेसिटर, इसके अलावा ये जो आपकी एग्जाम्पल है ना 12.5, ये आपकी इंक्लूडेड है, और इसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर के बाद आप अगर नेक्स्ट आप देखें ना, ये कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपका इंक्लूडेड टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल, मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है ना, इसमें शायद ही कोई ऐसा टॉपिक है कि मैं आपको कहूँ कि इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये फर्स्ट चैप्टर है लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, ये स्किप्ड है आपका टॉपिक। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर ये आ जाता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है। इसी के साथ आपकी एक एग्जाम्पल आ जाएगी 12.6, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। उसके बाद अगर हम मूव करें नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ, तो एक्सरसाइज के आपके कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक प्रॉपर अलग से वीडियो में क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको गेस्ट क्वेश्चंस बता दूंगी। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं और टॉपिक्स मार्क करते जाएं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट भी हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, यूनिट 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है ये इंक्लूडेड नहीं है।
आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपका पेज नंबर 38 होगा, ठीक है, वो आपका इंक्लूडेड है। ये सारे टॉपिक्स, इनमें से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। ओहम्स लॉ वगैरह ये पिछले चैप्टर, पिछले ग्रेड में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इस बार ये सब स्किप्ट हैं। ये वाले सारे टॉपिक्स आपके स्किप्ट हैं। आपके जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, ये पेज 38, वेयर इट इज, ये रहा, ये आपका टॉपिक है जो आपका इंक्लूडेड है। 13.5 से आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है, 13.5 है। उसके बाद इसी से रिलेटेड जो एग्जांपल है आपकी 13.2, ये आपकी एग्जांपल इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर आप ये जो कलर कोड फॉर कार्बन, ये इंपॉर्टेंट भी है, कलर कोड जो है ना ये इंपॉर्टेंस भी रखता है, ये आपका अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए नीचे, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स, ये भी आपका इंक्लूडेड है। इसमें जो वर्क डन और इलेक्ट्रिकल पावर की जो इक्वेशन है ना, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपकी इंक्लूडेड नहीं है, आपका ये स्किप हो गया हुआ टॉपिक। नीचे आप आते जाए, इसी तरह से आपका ये जो 13.4 एग्जाम्पल है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ से 13.3 मैंने आपको बता दी थी, वो इंक्लूडेड थी, ये 13.3, ठीक है, ये भी आपकी इंक्लूडेड थी। 13.2 और 13.3 ये दोनों एग्जाम्पल्स आपकी इंक्लूडेड थी, ठीक है। अब आप नीचे आ जाए, मजीद टॉपिक्स जो इस चैप्टर के इंक्लूडेड हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि किसी किस्म की आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये जो आपका किरचॉफ्स रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रूल है भी बड़ा सिंपल सा, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है। इसमें सिंपल सी इतनी सी बात है कि जितने भी टोटल करंट्स होते हैं ना, जो फ्लो कर रहे हो, वो किसी भी एक पॉइंट की तरफ, वो इक्वल होते हैं उस सम के, जो कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है ए, उस तरफ जितने भी करंट्स फ्लो कर रहे हैं ना, ठीक है, ये देखें डायग्राम में देखें, जितने भी करंट्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, ये सब इक्वल होंगे उस करंट के जो कि इससे दूर जा रहा है, ठीक है। यानी कि इधर चाहे 6 हो, 4 हो, 8 हो, 2 हो, जितने भी होंगे इस साइड वाले इक्वल होंगे दूसरी साइड के, और ये आपका ये रूल है, ठीक है, बहुत सिंपल ये रूल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आपका वीक स्टोन है, ये 13.6 जो आपकी एग्जाम्पल है ना, ये इंक्लूडेड नहीं है, आपकी एग्जाम्पल सिर्फ 13.4 तक ही इंक्लूडेड थी, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, वैसे भी बहुत लंबी एग्जाम्पल थी, शुक्र है नहीं इंक्लूडेड। ये वीटस्टोन ब्रिज आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को ये ज्यादातर पार्ट्स की फॉर्म में आती है, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, या फिर किसी जिस तरीके से ए और बी पार्ट्स होते हैं ना, उस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगेन हम आ गए क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के हवाले से एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, इसलिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और ना सिर्फ फिजिक्स बल्कि इंशाल्लाह आपके तमाम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स भी मैं अपलोड करूंगी, आपको स्मार्ट सिलेबस के हवाले से मार्किंग भी करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नोट करवाऊंगी, ठीक है। तो आप जाते हैं चैप्टर 14 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आपके जो जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैग्नेटिक वाला इंक्लूड नहीं है, ये 14.2 से आपका शुरू हो रहा है टॉपिक, ठीक है, 14.2 से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह जो है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स एंड डेंसिटी, ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लाजमी आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो आपकी एग्जाम्पल है, ये 14.2 एग्जाम्पल 14.1 ऊपर थी ना, ये भी इंक्लूडेड है, ये, ठीक है, 14.1 14.2 दोनों इंक्लूडेड हैं। उसके बाद ये एम्पियर्स लॉ, अच्छा मैंने स्टूडेंट्स आपको अक्सर बताया है कि जो भी लॉज होते हैं ना उनको स्किप ना करिएगा, क्योंकि लॉज में से कोई ना कोई लाजमी आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्स ऑफ अ मूविंग, ये सारा इंक्लूडेड है, ठीक है, 14.3 भी आपकी इंक्लूडेड है। फिर आ जाते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ठीक है, ये वाला 14.5 टॉपिक इंक्लूडेड है, और इसकी तमाम जो डेरिवेशन वगैरह है वो भी आपको आनी चाहिए, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ जाता है मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, ये वाला टॉपिक भी आपका इंक्लूडेड है।
कुछ टॉपिक्स आपके स्किप्ड हैं, कुछ इंक्लूडेड हैं, लेकिन आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना, बड़े एहतियात से आप सारी मार्किंग करें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, डिटरमिनेशन ऑफ ये वाला आपका टॉपिक भी इंक्लूडेड है। इसके बाद बस एक दो टॉपिक्स और हैं इस चैप्टर के, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आपकी एग्जाम्पल है 14.4, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको किसी सूरत आपने स्किप नहीं करना। इसी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होगा, जो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। 14.5 भी इंक्लूडेड है। अच्छे जी, तो अब आ जाते हैं कैथोड रे पे, ठीक है। कैथोड रे वाला जो आपका ये टॉपिक है, ये इंक्लूडेड है। अच्छा, उसके बाद यूजेस ऑफ सीआरओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजेस ऑफ सीआरओ ये अक्सर आ जाते हैं, कैथोड रे, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉर्क वाला है टॉपिक, टॉर्क के बाद आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो स्किप कर दिया गया है, गैल्वेनोमीटर को छोड़ दें, ठीक है। वैसे भी बड़ा लंबा था, अच्छा हुआ स्किप हो गया। और ओम मीटर भी छोड़ दें, ये एवोमीटर मल्टीमीटर, ठीक है, इस पे आ जाएं। और अब चूंकि मीटर सिर्फ एक ही बचा इस क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर में से, बाकी सब हटा दिए गए हैं, एक्सक्लूड कर दिए गए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो वोल्टेज मेजरिंग पार्ट है और इसके अलावा रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। आपने लाजमी वो वीडियो देखनी है ताकि आप बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ चैप्टर नंबर 15 से ऑनवर्ड्स, ताकि आपके लिए मार्किंग करना भी आसान हो, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप स्टूडेंट्स के लिए मार्क करना भी मुश्किल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से मार्क कर लें, कोई टॉपिक कोई गलती ना हो आपसे, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।